हर हर महादेव, जय महाकाल। और इसी के साथ में सुप्रभात। आज हो गई है डेट 27, 27 तारीख के दिन है। आज डेट हो गई है 27 और हम फिलहाल हैं उज्जैन पहुंच गए थे रात को, देखा होगा आपने लास्ट वीडियो में। तो अभी फिलहाल उठे हैं सुबह और अभी सीधा जा रहे हैं पहले शिप्रा नदी पे। शिप्रा नदी पे स्नान करेंगे, उसके बाद में महाकाल के दर्शन करेंगे। तो सावन होने की वजह से भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है उज्जैन नगरी में, पर कोई बात नहीं। भैया के पाठशाला वेदशाला जो है यहाँ से यहीं पे नाइट रुके थे और अभी यहाँ से सीधा जाते हैं अपन शिप्रा नदी रामघाट, फिर उसके बाद में करते हैं आपसे वहीं पे बात। चलो तो अभी आ गए हैं शिप्रा नदी के किनारे और यहीं पे नहा लिया जाए। तो आज की शुरुआत हुई है दिन की शिप्रा नदी में स्नान करने से। तो बाकी सब रेडी हो गया है, हमारा रेडी होना बाकी है। मैं और पवन भाई नहा लेते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी से नहा के रेडी हो के। चलो अभी आ गए हैं पार्किंग में, गाड़ी खड़ी कर दी है और अभी जाते हैं सीधा मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो आप कैमरा गाड़ी में रख के जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलेगा तो करते हैं। तो चलते हैं फिलहाल दर्शन करने के लिए मंदिर में, हर हर महादेव। चलो तो आ गए हैं उज्जैन महाकाल मंदिर और भीड़ तो खतरनाक हो रखी है एकदम, दिखाता हूँ कैमरा घुमा के। मनस्वी को टीशर्ट बनाया महाकाल का। तो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, चलो बढ़ते आगे मंदिर की तरफ। मंदिर के बाहर दर्शन करके महादेव के, ये है स्थिति आज। तो महाकाल मंदिर बहुत सावन के चलते शानदार भीड़ हो रखी है मंदिर में। और इधर आ A few moments later. भाई तो उज्जैन में हो चुकी है हमारी शाम और शाम को एक मतलब जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो चीज़ यहाँ पे हुई है। और महाकाल नगरी में वाकई में चमत्कार होते हैं। तो चरण पाल जी जो काकरापार से 3-2 महीने पहले नरोड़ा ट्रांसफर हुए थे, तो उनसे मुलाकात हो गई उज्जैन नगरी में। ना भाई इसको बोलते हैं यूट्यूबर भाई, इसको बोलते हैं किस्मत जबर है हमारी। लाइक करें और भाई सब्सक्राइब पक्का करें। तो अभी फिलहाल हम उज्जैन में हैं और उज्जैन की फेमस कुल्फी खा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा चौक बताया था आपने? ये है छतरी चौक। तो छतरी चौक के जस्ट सामने कुल्फी का आनंद ले रहे हैं। तो फेमस लोग फेमस कुल्फी। चलो तो आप भी कुल्फी का आनंद। ये भाई जी कुल्फी भंडारा भाई साहब, भाई बहुत सीरियसली देख रहे हैं। तो अभी कुल्फी फिनिश करते हैं फटाफट, गाड़ी कहीं हमने वहाँ खड़ी की है। बहुत दूर खड़ी की है और ये इलाका पता नहीं कौन सा है हम नहीं जानते, पर चरणपाल जी के चक्कर में इस इलाके में आना पड़ा मेरे को। तो अभी इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगली बार आए तो मैंने जहाँ बोला है वहीं रुके, ठीक है ना? बिल्कुल गलती ना करें। सही बात, पर आप लोग भी गलती मत करो दोस्तों, ठीक है? चलो मिलते हैं आइसक्रीम फिनिश होने के बाद। पवन भाई ने रोका है यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए। और चरणपाल जी से क्या मुलाकात तो हो चुकी थी 5 मिनट पहले, कॉफ़ी वॉफी पी ली थी हमने, फिर निकले और निकलने के बाद वापस आइसक्रीम की दुकान पर मुलाकात हो गई। इसको डबल किस्मत बोलते हैं। तो चलो आइसक्रीम फिनिश कर लेते हैं फटाफट। चल गई है शाम और हम आ गए हैं महाकाल लोक में। तो अभी जस्ट मूव करता हूँ कैमरा, ये है यहाँ के सीन। और बारिश फिलहाल बंद है तो एंजॉय कर सकते हैं। और भाग भाग के आए फटाफट के भैया के घर चले गए, तो भैया के यहाँ से आने में थोड़ा टाइम लग गया। चलो तो महाकाल लोक के आपको दर्शन करवाते हैं अच्छे से। Did it up.
इस तरह मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह तेरी जटाओं में
खुद पिया नमो नमो शंकर बोले राम शंकर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है फिलहाल उज्जैन में, तो एंजॉय कीजिए इन नज़ारों को, फिर निकलते हैं यहाँ से बाहर कुछ खाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है रात के। बस ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फिलहाल आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल इंदौर।